आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत 16 ऐसे हैंगिंग प्लांट्स जिनको जो आप घर पर ही कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो। और सारी जो है कटिंग्स मैंने ग्रो करी है और उनका जो है अपडेट भी इस वीडियो में शेयर करूँगी। सारी कटिंग्स को जो है मैं लगा के भी दिखाऊँगी किस तरह से लगाना है वो भी, और इनका जो है रिज़ल्ट भी बताऊँगी। सारी जो कटिंग्स मैंने ग्रो करी है उनका रिज़ल्ट भी इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और सारे जो हैंगिंग प्लांट्स हैं बहुत ही खूबसूरत है और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं उनको पता नहीं होता है कि ये वाले जो प्लांट्स होते हैं कटिंग से भी आसानी से घर पर ही ग्रो हो जाते हैं, हमें जो है नर्सरी से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला है ये है वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो वाइन। इसकी भी जो कटिंग है बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। आप कोई भी इसकी टिप की कटिंग को ले लीजिए और इसमें जो है बारिश के दिनों में एरियल रूट्स भी इसमें निकल आते हैं छोटे छोटे। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको कटिंग को कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको कटिंग को ले लेना है, नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए। और देखिए ये जो कटिंग है मैंने 15-20 दिन पहले ग्रो करी थी, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये देखिए कितने अच्छे इसमें से, और बहुत फास्टली जो है ये कटिंग ग्रो हो जाती है ये स्वीट पोटैटो वाइन की। इसी पॉट में जो है मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। इसमें जो है सैंड ऑलरेडी जो है मिली हुई है, ये जो मिट्टी जो मेरी गार्डन की सॉइल है इसमें रेत भी मिली हुई है। देखिए इस तरह से बस हमें लगा देना है तो ये कटिंग जो है हमारी 5 से 6 दिन में ही ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये भी स्वीट पोटैटो वाइन है, ये ग्रीन कलर का, इसमें पर्पल भी आता है। इसकी भी कोई भी आप टिप की कटिंग को ले लीजिए या साइड ब्रांच जो भी, तो इसकी भी कटिंग मैंने जो है लगाई थी अभी कुछ ही दिन पहले लगाई थी। और आप देख सकते हो इसमें बहुत ही बढ़िया जो है जड़ें बन चुकी है, और स्वीट पोटैटो वाइन जो है ये 5 से 6 दिन में ही जो है इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। और आपको जो है कटिंग जब भी लगाएंगे तो उसमें सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है। क्रीपिंग चार्ली जो है ये प्लांट्स कटिंग से ही मैंने इसे ग्रो किया था, इसकी कटिंग मुझे मेरे फ्रेंड ने दी थी। और आप देख सकते हो कितना सुंदर जो है इसका हैंगिंग बास्केट तैयार हो गया है। कटिंग से जो है ये प्लांट बारिश के दिनों में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग अगर हम सिंपल ऐसे रख भी देते हैं किसी पॉट में, वहीं से जो है इसकी जड़ें बनना स्टार्ट हो जाता है। देखिए डिस्पोजेबल ग्लास पर मैंने इसे लगा दिया था, ये 1 महीने पहले ही लगाया था। आप देख सकते हो पूरा जो ये मतलब ये ग्लास जो है पूरा भर चुका है, बहुत फास्टली जो है इसकी कटिंग होती है। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है मैंने इस ब्रांच को बस सिंपली ऐसे रख दिया था, आप देख सकते हो इस वहीं से जो है इसमें जड़ें बन गई है, आप देख सकते हो। तो बहुत ही इजीली जो है इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। और इसकी कटिंग जो है मैंने इस तरह के बॉल में भी लगा दी थी, इसमें जो है बिल्कुल भी ड्रेनेज होल नहीं बना है, पानी में भी जो है ये कटिंग ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो मनी प्लांट, जितने भी तरह के मनी प्लांट्स है पोथोज है उनकी भी कटिंग जो है बहुत आसानी से आप घर पर ही तैयार कर सकते हो। देखिए इस तरह के ये इन्जॉय पोथोज है, इनकी भी कटिंग आपको कहीं से मिल जाती है, जैसे कि ये नियॉन पोथोज है। ऑलरेडी जो है इनमें एरियल रूट्स होते हैं, बस इन्हें जो है हमें प्रोमोट करना रहता है। इन सभी की कटिंग को जो है कट करके देखिए सारे वैरायटीज़ के मनी प्लांट पोथोज है उनकी कटिंग को जो है मैंने ग्रो किया है। और ये जो आप देख रहे हो एन्जॉय पोथोज इसको भी जो है मैंने लीफ कटिंग से ही ग्रो किया है। ये है नियॉन पोथोज इसे भी जो है मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। देखिए फ्रेंड्स ये भी कटिंग से ही मैंने ग्रो किया है। तो इस तरह से जो है आप अभी ग्रो करते हो तो ये कटिंग्स आपकी बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो हो जाएगी। देखिए कितना बढ़िया जो है इसमें सैंड की मात्रा मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो बेबी टीयर, ये भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके जो है आप सिंगल छोटी सी छोटी ब्रांच भी आपको कहीं से मिल जाती है, इसकी ये देखिए छोटी सी ब्रांच भी आप कहीं पर भी लगा देते हो। देखिए इस तरह के यहाँ पर मैंने बास्केट में इसे लगा दिया है, और इसी तरह से जो है मैंने दूसरे बास्केट में भी इसे ग्रो किया, और इसकी कटिंग जो है 4 से 5 दिन में ही जो है इसमें जड़ें बन जाती है। देखिए इस तरह से इसमें रूट्स आ जाते हैं, बहुत आसानी से जो है कटिंग ये घर पे ही ग्रो हो जाती है। इसकी कटिंग जो है आपकी सिंपल गार्डन सॉइल है उसमें भी ग्रो हो जाएगी, या फिर जैसे आप सैंड में भी इसे ग्रो करते हो उसमें भी ग्रो हो जाएगी। ये किसी भी तरह की सॉइल में आप इसे लगाते हो तो ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, कोई स्पेशल मिट्टी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो यह है स्पाइडर प्लांट, इसे भी जो है आप घर पर ही इजिली इसके आप ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हो। इसे आप डिवाइड करके भी या फिर इसमें से जो है इस तरह से रनर्स निकलते हैं, ये देखिए इस तरह से ये पप्स निकलते हैं, इनको भी जो है आप इस तरह से कट करके इनको सिंपल आप मिट्टी में भी दबा देते हो, कोई भी किसी भी तरह की मिट्टी में। जैसे कि आप देख रहे हो इस पॉट में मैंने इसे लगा दिया था, देखिए इसमें कितने अच्छे से जड़ें बन चुकी है। देखिए इसे भी जो है मैं इसी में लगा दूंगी, हल्का सा जो है इसे हमें प्रेस करके लगा देना है इसे। देखिए इस तरह से मैंने इसे लगा दिया था तो कितने अच्छे से जो है ये ग्रो हो गई है, जो सिंपल हमारी गार्डन सॉइल है उसी में। ये पीलिया डिप्रेसा है, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, इसकी छोटी सी डंडी भी आपको कहीं से मिल जाती है तो वो भी ग्रो हो जाएगी। और ये इतनी
फास्टली जो है ये प्लांट ग्रो होता है और फैल जाता है। आप देख सकते हो मैंने जो पॉट है मेरा और उसी में मैंने इसे लगा दिया था, तो देखिए कितने अच्छे जो है इसमें जड़ें बन चुकी है। 3 से 4 दिन में ही जो है ये कटिंग हमारी ग्रो हो जाती है और ये इतने जल्दी ये प्लांट जो है फैल जाता है। देखिए इसी में इस डंडी को जो है मैं लगा के दिखाऊंगी तो ये भी जो है ग्रो हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने काफ़ी सारे जो है इसके प्लांट्स तैयार कर लिए हैं और इस तरह के जो DIY प्लांटर में उनको लगा दिया है। ये स्टोन क्रॉप सीडम है, ये भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए छोटी सी कटिंग, इस तरह से भी आप इसे सैंड में या सिंपल कोई भी गार्डन की सॉइल है उसे में भी आप लगा देते हो। देखिए इस तरह से मैं पॉट में ही लगा दे रही हूँ तो ये इतने जल्दी ग्रो हो जाएगा ये 5 से 6 दिन में। और देखिए इस तरह से जो है 15 दिन में ही जो है आपके पूरे पॉट को जो है ये कवर कर लेगा। अगर आपको इसको लगाना है तो 50% गार्डन सॉइल और थोड़ी रेत आप इसमें ज़्यादा रखिए तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो। टैंगल हार्ट भी जो है कटिंग से काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसका एक भी प्लांट अगर आपके पास में हो तो आप घर पर ही इसके जो है ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हो। देखिए सिंपल सी ऐसी लट जैसे कहीं से मिल जाती है, छोटी सी कटिंग भी इस तरह से आप इसके पॉट में अगर आप रख भी देते हो देखिए तो भी देखिए जहाँ से इसका नोड एरिया होता है जहाँ से लीफ निकलती है वहीं से जो है इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए इस तरह से आपको ये ऐसी ब्रांचेस मिलती है, बस इनको सिंपली जो है आपको इसे पॉट में बस रखना है, इनको हल्का हल्का जो है आपको दबाते जाना है तो ये कटिंग जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ इस तरह से ही आपको लगानी है तो आपकी जो ये कटिंग 15 दिन में ही फ्रेंड्स आपको इसमें जो पॉट है पूरा भर जाएगा। आपके जो है इसमें से न्यू प्लांट जो है निकल आएंगे, इसमें ऊपर से मिट्टी डालने की भी ज़रूरत नहीं। देखिए ये प्लांट इसी तरह से मैंने ग्रो किया था, आप देख सकते हो पूरा पॉट जो भर चुका है नीचे तक, देखिए इसकी ब्रांचेस लटक रही है। और इस वाले पॉट में भी जो है मैंने इसकी टैंगल हार्ट की बस ब्रांचेस को ऐसे रख दिया था, सिंपल दबा दिया था। आप देख सकते हो कितने अच्छे जो है इसमें जड़ें बन चुकी है, रूट्स आ गए हैं। और ये जो है ये पर्पल टर्टल वाइन है, इसकी पत्तियां जो है काफ़ी छोटी होती है, पर्पल कलर की होती है, आप देख सकते हो पीछे से। इसकी भी देखिए इस तरह से छोटी छोटी आपको ब्रांचेस बस ऐसे कट करना है। इसकी भी जो है आप कटिंग से ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हो। और इसकी कटिंग को देखिए इस तरह से मैं डिस्पोजेबल ग्लास में आपको लगा के दिखा रही हूँ। बस इसे सिंपल बस आपको ऐसे पॉट में, किसी भी पॉट में लगाते हो या किसी भी डिस्पोजेबल में, बस ऐसे सिंपली आपको रख देना है, हल्का सा प्रेस करना है, ऊपर से मिट्टी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। और देखिए इस वाले पॉट में भी मैंने इसे लगा दिया था, बस रख दिया था। देख सकते हो कितने अच्छे जो है इसमें जड़ें बन चुकी है तो ये इतनी आसानी से जो है ग्रो हो जाती है। आप ढेरों प्लांट्स घर पर ही तैयार कर सकते हो। टर्टल वाइन, ये जो वाइन होती है इतनी ईजीएस्ट कटिंग से ग्रो होने वाली वाइन है। इसे जो है छोटे बच्चे भी इसकी कटिंग को जो है आसानी से घर पर ही ग्रो कर सकते हैं। इसकी ब्रांच अगर नीचे गिर भी जाती है, ज़मीन से भी टच हो जाती है तो भी वहाँ से जो है न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से इसकी ब्रांच को ले लेना है आपको, बस ऐसे सिंपली किसी भी पॉट में किसी भी सॉइल में सिंपल ऐसे आप दबा भी देते हो, लगा भी देते हो इनकी कटिंग्स को देखिए इस तरह से, तो भी जो है आपके प्लांट सारी कटिंग जो है ग्रो हो जाएगी। ऊपर से मिट्टी डालने की भी ज़रूरत नहीं, बस ऐसे रखना है, सिंपल आपको बस प्रेस करना है तो आपकी सारी जो है कटिंग ये ग्रो हो जाएगी। इनकी कटिंग्स को भी जो है मैंने ग्रो किया है इसी तरीके से ग्रो किया है। ये देखिए इस वाले पॉट में जो है मैंने इसे देखिए इस तरह से रख दिया था तो वहीं से जो है इसमें कितने सारे जो है ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर रख ही दिया था ऐसे सिंपल प्रेस करके, तो देखिए वहाँ से ही जड़ें बन चुकी है और इस तरह से जो है ये प्लांट बढ़िया से ग्रो कर रहा है तो इतनी आसानी से जो इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है वांडरिंग जू, ये देखिए इसमें कितने सारे जो है रूट्स होते हैं ऑलरेडी, तो इनको जो है बस आपको कट करके सिंपल किसी भी सॉइल में आप लगा देते हो। जैसे कि मैं इस पॉट में आपको लगा के दिखा रही हूँ, देखिए बस इसे सिंपल आपको प्रेस कर देना है, ये कटिंग आपकी जो है 4 से 5 दिन में ही ग्रो हो जाएगी। देखिए इस वाले पॉट में भी मैंने इसी तरीके से लगा दिया था तो कितनी बढ़िया ग्रो हो गई। पानी में भी जो है आप इसे ग्रो कर सकते हो, पानी में भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। और इसी वाले पॉट पे जो है मैंने इसे लगा दिया था इसकी सिंपल एक ब्रांच को, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे जो है इसमें रूट्स आ गए हैं और कितनी बड़ी जो है इसकी ये कटिंग हो चुकी है। और ये जो कटिंग है आपकी 10 से 15 दिन में ही इतनी बड़ी हो जाती है। इसमें भी देखिए छोटे से पॉट में मैंने लगा दिया था, कितने सुंदर जो है इसमें जड़ें बन चुकी हैं। तो इस तरह से आप जो है वांडरिंग जू को भी घर पे ही ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हो। ये है वेरीगेटेड रियो प्लांट, इसकी भी कटिंग जो है काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। और हैंगिंग बास्केट में आप देख सकते हो कितना सुंदर ये प्लांट लग रहा है। कोई भी आप जैसे देखिए इस तरह से आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, कट कर देना है। और इसे भी जो है मैंने 50% गार्डन सॉइल 50% सैंड में ही इसे ग्रो किया है। और देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे जो है इसमें जड़ें आ चुकी हैं। अगर आप मिट्टी थोड़ी मतलब आप जैसे 40% मिट्टी और 60% अगर आप सैंड रखते हो तो बहुत ही जल्दी जो है इसमें रूट्स जैसे डेवलप हो जाते हैं।
ये सीडम का प्लांट है और ये प्लांट जो है बारिश में मेरा पूरा ख़राब हो चुका था। इसमें से कुछ ब्रांचेस बची थी तो मैंने इसी में इसको लगा दिया इस पॉट में। आप देख सकते हो ये ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसे 15 से 20 दिन ही हुए, पूरा जो पॉट है कवर कर लिया है। बहुत ही फास्टली जो है इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। सिंपल सी छोटी सी कटिंग भी हम इसमें लगा देते हैं ग्रो हो जाती है। सैंड की मात्रा बस हमें ज़्यादा रखना है। पर्पल हार्ट भी जो है कटिंग से काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है घर पर ही। आप इसके ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हो और हैंगिंग बास्केट में भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें जो है पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं। ये इस प्लांट को देखिए इस तरह से आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो इस कटिंग को, और इस कटिंग को जो है आप इस तरह से मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो। देखिए कितने बढ़िया इसमें जड़ें बन जाती। इसमें जो है रूटिंग 8 से 10 दिन में ही जो है हो जाती है। और इस तरह के देखिए DIY प्लांटर में भी ढेरों कटिंग्स जो है मैंने लगा दी थी, सारी कटिंग्स जो है ग्रो हो चुकी है। सिंगोनियम को भी जो है आप काफ़ी आसानी से जो है कटिंग से ग्रो कर सकते हो। इसकी भी कटिंग जो है आप पानी में और मिट्टी में दोनों में भी ग्रो कर सकते हो। और इसकी कटिंग आप देख सकते हो इस तरह के मैंने छोटे छोटे DIY प्लांटर में भी लगा के रखी है। और इस तरीके से आप किसी भी गमले के मिट्टी में भी आप लगा दें, जैसे गमले के नीचे में जगह खाली होती वहाँ पर भी देखिए इस तरह से मैंने इस कटिंग को लगा दिया था फ्रेंड्स, तो वहीं से जो है इसमें जड़ें बन चुकी है, तो ये भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। जितने भी हमारे हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स होते हैं सारे जो है सॉफ्ट फूड कटिंग होती है। इन सॉफ्ट फूड कटिंग को जब भी हम लगाएंगे 40% गार्डन सॉइल 60% सैंड में ही हम इसे लगाएंगे, और हल्की सी मिट्टी ड्राई लगे तभी हम इसमें पानी देंगे, और टोटल जो है छाया वाली जगह पे रखेंगे शेड एरिया में। फिर उसके बाद में जो है 10 से 15 दिन बाद जो है हम इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। इस तरह से ग्रो करते हैं तो 100% हमारी कटिंग ग्रो